जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, तब से वहां की काया पलट ही हो गई है। ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर 370 बेड़ियों से आजाद होने के बाद वहां नए नए निवेश के अवसर खुल रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका नतीजा ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सबसे तेजी से विकसित और निवेश के रूप में उभरने वाला केंद्र शासित राज्य बन रहा है। आज देश विदेश में लोग जम्मू कश्मीर में निवेश करने आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि ये बातें उन्होंने दो दिन के MSME कॉन्क्लेव में कही। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास के बारे में भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य की सूरत ही बदल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन से जम्मू कश्मीर में MSME के माध्यम से अच्छा विकास हो रहा है। जम्मू कश्मीर में इस समय 67 इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगभग 5200 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जिसमें लगभग 1 लाख लोग काम कर रहे हैं।